हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं क्लीनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ समर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैंने सोचा चलो ए टू जेड डीप क्लीन करती हूँ आज अपने घर को एंड किचन को एंड uh, ये है एक्चुअली फिल्टर जो चिमनी होती है ना उसका फिल्टर है इसे मैं अच्छे से पहले तो रिंस करूँगी इसमें बहुत सारा ऑयल हो जाता है जब हम कुकिंग करते हैं राइट सो मैं डॉन का पावर जो वॉश होता है ना फोम वाला वो यूज़ कर रही हूँ विद अ ब्रश जे ब्रश आपको ईजिली डॉल ड्रामा से मिल जाता है बहुत अच्छा है इससे मैं अपनी डिशेस क्लीन करती हूँ एंड फ़िल्टर को मैं डिश वाशर में क्लीन करूँगी सबसे पहले इसमें बहुत सारा एक्चुअली ऑयल होता मैं नहीं चाहती कि ड्रेन में जाए वो क्लॉक करे मशीन को सो इसलिए मैं इसे पहले हाथ से ही करूँगी क्लीन थोड़ा सा अब मैं इसे बस थोड़ा सा रिंस करके इसे मशीन में Uh, रख दूँगी वॉश होने के लिए डिश वॉशर में देन अनदर थिंग्स हम डन करेंगे जहाँ मैं रखती हूँ रैक जिसमें हम बर्तन रखते हैं ना हैंड से वॉश करके ये रैक भी बहुत गंदा हो जाता है सो मैंने सोचा चलो बाहर रख के अच्छे से होज से मैं इसे वॉश करती हूँ मोस्टली मैं इसे सिंक में क्लीन करती रहती हूँ बट ये बहुत बड़ा है मैंने सोचा चलो बाहर का मौसम भी इंजॉय करते हैं एंड इसे क्लीन करके रख देती हूँ जहाँ मैं मोस्टली अपने इंडोर प्लांट्स रखती थी अब मैंने सोचा कि इस एरिया को थोड़ा सा चेंज करती हूँ सो so, पहले तो मैं क्लीन करूँगी ग्रैनेट को क्लीन करने के लिए मैं ये ग्रैनेट क्लीनर यूज़ करती हूँ एंड इनकी पॉलिश भी आती है बट अब नहीं आती स्टोर में बट मेरे पास बढ़िया मैं उसे पॉलिश करूँगी बाद में सो so, यहाँ मैं एक्चुअली कॉफी स्टैंड बनाना चाहती हूँ सबसे पहले घर से ही चीज़ों को निकालूंगी एंड फिर थोड़ा सा डी आई वाई करूँगी अगर नहीं मिली तो स्टोर में जाऊँगी ये सारी चीज़ें मेरे घर से निकली अभी मैंने सेट नहीं किया आपसे शेयर जरूर करूँगी अपकमिंग वीडियो में वो तो मैंने अभी निकाल के ही चीज़ें रखी हैं सबसे पहले क्लीनिंग करूँगी एंड आज मैं अपने घर को डेकोरेट भी करूँगी फॉर अपकमिंग समर सो so, मैं बोर हो चुकी हूँ विंटर की डेकोरेशन से ओके okay, ग्रैनेट को मैं बाद में करूँगी पॉलिश सबसे पहले मैं अपने अप्लाइंसेस को क्लीन कर रही हूँ। इसको क्लीन करने के लिए मैं ये क्लीनर यूज़ करती हूँ स्टेनलेस स्टील के जो अप्लाइंसेस होते हैं इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ये क्लीनर जस्ट आउटसाइड क्लीन करने के लिए होता है ओके okay, मेरे पास ये ओल्ड पड़ी थी पॉलिश एंड अगर आपको पॉलिश करनी है अपनी ग्रेनेट तो आप स्टोर से मंगवा सकते हैं। आप देख सकते हो कि स्प्रे तो नहीं हो रही थी तो मैंने उसका लिट ओपन किया एंड थोड़ा सा ड्रॉप किया उसको फिर अब इसको मैं स्प्रेड करूँगी अच्छे से जब भी आप पॉलिश करते हो उसे अच्छे से स्प्रेड कर दें लाइक उसका एक्सेस रिमूव नहीं करना मैं इसे छोड़ देती हूँ एटलीस्ट फाइव टेन मिनट्स अच्छे से स्प्रेड करके एंड आप अमेज़ॉन से फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको मिलती है कोई भी अच्छा ब्रांड ले सकते हो ग्रैनीट को पॉलिश uh, करने के लिए अब आफ्टर फाइव टेन मिनट्स मैं इसे अच्छे से टिश्यू पेपर से वाइप कर रही हूँ एक्सेस को रिमूव कर रही हूँ मोस्टली वो सोख लेती है जो ग्रैनीट होती है ना पॉलिश को लिक्विड को सो so, अब मैं बस एजिस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ एंड डेकोरेट भी साथ साथ में कर रही हूँ आपने कमेंट किया था कि मैं अपना स्टोव कैसे क्लीन करती हूँ सो so, आज वो भी डिटेल में शेयर करूंगी सो so, पहले पुल करके मैं अपनी चिमनी को क्लीन करूँगी स्टोव की बैक साइड पे भी बहुत सारे क्रम्स हो जाते हैं एंड जब हम कुकिंग करते हैं ना बहुत सारे चीटे पड़ जाते हैं ऑन न बैक स्प्लैश सो so, आज मैंने सोचा कि डीप डीप क्लीन करना है मुझे सो so, अब um, मैं करूँगी इसे क्लीन एंड चिमनी को बाहर से क्लीन करने के लिए मैं सेम क्लीनर यूज़ करती हूँ जो स्टेनलेस स्टील को क्लीन करने का होता है सो so, इसमें ऑयल हो जाता है इसका फ़िल्टर तो मैंने निकाल कर वॉश करने के लिए रख दिया वो भी ड्राई भी हो चुका है उसे मैं लगाऊंगी उससे पहले इसके अंदर बहुत सारा ऑयल होता है सो so, टिश्यू पेपर से मैं इसे अच्छे से क्लीन करूँगी जितना भी एक्सेस है अंदर एंड इसके अंदर एक छोटी सी ट्रे होती है उसको भी आप निकाल कर उसे वॉश कर सकते हो सो so, इसे मैं करती रहती हूँ बहुत जल्दी जल्दी एंड अब मैं चिमनी को क्लीन करूँगी ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ जी बहुत अच्छा है आपको डॉरामा से मिल जाता है सो so, चिमनी को ऊपर से भी मैं स्टेनलेस स्टील क्लीनर से ही क्लीन कर रही हूँ एंड बैक स्प्लैश को मैं विंडेक्स से ही क्लीन करती हूँ हमेशा जीव राशि डॉलरामा से आपको इजीली मिल जाता है अराउंड थ्री डॉलर एंड इसको मैं एक्चुअली बहुत तरह से यूज़ करती हूँ बैक स्प्लैश को क्लीन करने के लिए वॉल्स को क्लीन करने के लिए किचन कैबिनेट्स को क्लीन करने के लिए इवन चिमनी बैक स्प्लैश को क्लीन करने के लिए मैंने विंडिक्स का जो लिक्विड है उसे यूज़ किया है इसको आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो इसे आपको वेट करके स्क्ज करके भी यूज़ कर सकते हो कोई भी आ, जो क्लिनर आप यूज़ करते हो वो इस पर स्प्रे करके इसे यूज़ कर सकते हो सो so, इससे मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ मेरी चिमनी एक्चुअली स्टेनलेस स्टील की है आप स्टेनलेस स्टील के क्लीनर को यूज़ करके इसको क्लीन कर सकते हो तो बहुत अच्छी एंड शाइनी हो जाती है अब मैं स्टोव के पीछे भी क्लीन कर रही हूँ जब हम कुकिंग करते हैं ना स्पेशली रोटी बनाते हैं तो बहुत सारे क्रम्स एंड आटा चल ही जाता है सो so, इसलिए मैं जहाँ साब कुछ क्लीन कर रही हूँ एंड फिल्टर तो मैंने वॉश कर लिए थे अब ड्राई हो चुके हैं मैंने बैक लगा दिए हैं एंड अब मैं अनदर लेफ्ट ओवर चीज़ों को डन करूँगी मेरी जो बैक स्प्लैश है ना वो ग्लास की है तो ग्लास क्लीनर से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है विंडिक से एंड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि मैंने कौन सा वॉलपेपर यूज़ किया है दिस इज़ नॉट अ वॉलपेपर गाइस सो ये है बैक स्प्लैश लाइक टाइल्स होती है ना वो है सो so, बैक स्प्लैश ही अच्छी लगती हैं एंड वॉल तो क्लीन करना बहुत हार्ड हो जाता है जब हम कुकिंग करते हैं ना तो वो तो एक पेपर की तरह होता है सो आई डोंट थिंक सो कोई भी वॉल यूज़ करता होगा अपनी किचन में लाइक बिहड द स्टोव हाँ होता है मेरा स्टोव स्टोव को मैंने पुल कर लिया था एंड इसके पीछे भी बहुत सारे क्रम्स होते हैं फूड होता है सो so मैंने सोचा टिश्यू से पहले पिक कर लेती हूँ मैं नहीं चाहती कि ये सारा कुछ मेरी वैक्यूम में जाए एंड इसको मैं क्लीन करके वैक्यूम करके मॉप करके फिर अपने स्टोव को पुश करूँगी एंड उससे पहले उसे क्लीन करूँगी एंड आपके साथ शेयर करूँगी कि, कि कितने स्टेप मैं यूज़ करती हूँ अपने स्टोव को क्लीन करने के लिए ओके okay, अब मैं अपने स्टोव को क्लीन करूँगी पहले उसकी साइड्स को अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि जहाँ भी जब हम कुकिंग करते हैं ना बहुत सारा गंद इसके ऑल अराउंड लग ही जाता है सो so, उसे मैं क्लीन करूँगी सो मैं सिंपली यूज़ कर रही हूँ डॉन का जो पावर वाश होता है फोम उसे स्प्रे करके अच्छे से फिर उसे स्प्रेड करती हूँ एंड फिर उसे तब तक रिंस करती हूँ जब तक वो निकल ना जाए सोप एंड ये अच्छे से हो गया है क्लीन अब मैं करूँगी इसका जो ग्लास टॉप है ना उसको क्लीन सो so, मेरा जो स्टोव है गाइस ये है ग्लास टॉप इसको क्लीन करने के लिए जो मैं क्रीम यूज़ करती हूँ ईज़िली आपको फोटीनों से वॉलमर्ट से मिल जाती है ओके पहले अगर क्रम्स है तो उसको रिमूव कर लें तो इसे फिर मैं स्प्रेड करती हूँ सॉफ्ट स्पॉन्ज से एंड फिर मैं उसे टिश्यू से अच्छे से वाइप करती हूँ जितनी भी उसकी ग्रीस होती है निकल जाती है सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपना स्टोव एवरी सिंगल डे क्लीन करती हूँ मेरे स्टोव पे बिल्डअप नहीं है अगर आपके स्टोव पे बहुत बिल्डअप है लाइक बहुत सारी ग्रीस है तो आप ये किट यूज़ कर सकते हो इसमें ब्लेड होता है एंड ब्लेड से आप जो भी ग्रीस है उसको रिमूव कर सकते हैं एंड दिस क्रीम एक्चुअली रियली रियली गुड जब क्रीम अच्छे से रिमूव कर लेते हो तो फिर आप वेट टॉवल लेकर टिश्यू पेपर लेकर फिर उसको रिमूव कर दें अच्छे से एंड फिर अनदर स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अब मैं इसको फ्रंट से भी क्लीन कर लेती हूँ अब इसका टॉप अच्छे से ड्राई हो गया है देन मैं लेती हूँ ग्लास क्लीनर आप अच्छा ग्लास क्लीनर यूज़ कर सकते हो एंड फिर उसे अच्छे से बाइप कर दें क्योंकि मेरा जो स्टोव टॉप है ना वो ग्लास का है सो so, फिर फाइनल टच मैं देती हूँ ग्लास क्लीनर से सो so, आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से क्लीन हो जाता है एंड अगर बिल्ट अप आए तो आप किट को यूज़ कर लें एंड मैं एवरी डे करती रहती हूँ तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है तो so, मैं टिप देना चाहती हूँ अगर चाहते हो कि स्क्रैच ना हो आपके ग्लास टॉप पर तो अच्छे बर्तन यूज़ करें मुझे पहले नहीं पता था तो मेरे थोड़े स्क्रैच हैं क्योंकि बर्तन के जो नीचे का सरफेस होता है ना वो अच्छा होना चाहिए स्मूथ होना चाहिए सो so, अच्छे बर्तन यूज़ करें एंड अब मैं करूँगी अनदर ओवर चीज़ें लाइक किचन को जब क्लीन करने लगती हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली डीप क्लीनिंग इज़ डीप क्लीनिंग यू नो है you know, ना कितना टाइम लग जाता है सो so, चलो कर लेती हूँ अब मैं सेम ब्रश को यूज़ कर रही हूँ इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया रिंस कर लिया एंड अच्छे से स्क्वीज़ करके ना फिर सेम ब्रश ऐसे लगाकर आप इससे अपनी किचन कैबिनेट्स के जो डोर होते हैं उसको क्लीन कर सकते हो सो इसके लिए आपको कोई स्टेप्स टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती जो बहुत लंबा ईजीली पहुँच जाता है हाइट्स पर सो अब मैं क्लीन करूँगी अपनी किचन कैबिनेट्स को कि मेरी किचन ऑलमोस्ट डन आज बहुत सारा काम था अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ बाहर गार्डन में गार्डन का टेबल भी मैंने रखते हैं उसे मैं सोच रही हूँ खुद से भी क्लीन कर दूँ एंड बैक फिर मैं आऊँगी फ़ैमिली रूम में उसको क्लीन करूँगी एंड डेकोरेट करूँगी करूँगी अपने फैमिली रूम को क्लीन एंड डेकोरेट एंड जो एक्चुअली विंटर की डेकोरेशन है इसे मैं मूव कर दूँगी क्योंकि आई एम एक्साइटेड फॉर समर एक्चुअली सो बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ों को यूज़ करूँगी जो ईजीली आप रामा से ले सकते हो सबसे पहले सरफेस को क्लीन करूँगी विडनेक्स यूज रही हूँ ग्लास को क्लीन करने के लिए एंड बाद में मैं डेकोरेट करूँगी मैंने सोचा चलो फायर प्लेस को भी क्लीन कर लेती हूँ फायर प्लेस के आगे होती है नेट एंड ऐसे ग्लास उसको आप ऐसे क्लिप को पुल करके ग्लास को इजीली रिमूव कर सकते हो मेक श्योर कि आप पहले बंद कर लें अपनी फायर प्लेस को एंड देख सकते हो कि धुएं के साथ इस शीशे का क्या हाल है सो so, मैं पहले तो उसे फ्रंट से क्लीन करूंगी एंड अंदर से क्लीन करके भी आपको दिखाऊँगी कि ये कितना गंदा हो जाता है एक्चुअली जो ब्यूटी होती है ना फायर प्लेस की फिर वो दिखती नहीं है अब हम इसे चलाएँगे तो नहीं क्योंकि गर्मी आ रही है तो विंटर में हम इसे हमेशा चलाते हैं सो so, अब मैं इसे इन साइड से क्लीन करूँगी एंड आपको दिखाती हूँ गाइज़ कि स्मोक के साथ इसमें कितना गंद होता है दिस पहले मैंने क्लीनर से इसे क्लीन किया एंड अब मैं इसे वाटर से क्लीन करूँगी क्योंकि केमिकल मैं नहीं चाहती कि यूज़ करूँ इन साइड राइट सो मैं इसे अच्छे से रिंस कर दूँगी क्लीन कर लूँगी एंड फिर टिश्यू पेपर से इसे अच्छे से ड्राई कर दूँगी एंड इसे आप क्लीन करते रहें जरूरी नहीं है अगर आप चलाते हो तभी इसे क्लीन करना है एंड इसे क्लीन करते रहें एंड इन साइड से भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो इसके जो पीसेस होते हैं ना वो मूव हो जाते हैं एंड मेक श्योर के बंद करके ही इसे अच्छे से क्लीन करें एंड जैसे ही पीसेस आप निकालते हो वैसे ही बैक रख सकते हो एंड इसमें लाइक like, जो स्पाइडर होते हैं उनकी बेब्स भी हो जाती हैं क्योंकि ये कनेक्टेड होती हैं विद द बेसमेंट एंड आउटडोर से भी थोड़ा सा होता है ओपन फॉर फायर प्लेस सो so, इसको आप क्लीन कर सकते हो नीट एंड क्लीन एंड अच्छे से वो वुड की लुक आ रही है राइट right? सो so, जब जहाँ स्मोक हो जाती है साइड्स पे फिर वो कवर हो जाता है सारा कुछ ब्यूटी नहीं रहती अब मैं फायर प्लेस मैंडल को भी क्लीन करके अब मैं करूँगी डेकोरेट मोस्टली फायर प्लेस मैंडल पर मैं रखती हूँ गार्लैंड एंड आज मैं इसे बहुत ही सिंपल ईजी क्विक डेकोरेट करूँगी ऐसी ट्रे आपको मिल जाती है से नेक्स्ट मैंने फ्लावर पिक्स यूज़ किए हैं जो ईज़िली आपको डोर्रामा से मिल जाती हैं जो मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर ली थी अराउंड थ्री डॉलर इस बार भी बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्स आई हुई हैं आप देख सकते हो एंड आप गार्लैंड भी यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहते हो एंड इसके साथ मैं रखूँगी फेक प्लांट जो मैंने डोर्रामा से लिया है अराउंड फोर डॉलर सो वेरी ईजी एंड सिंपल सो ऐसे आप सेट कर सकते हो अपना फायर प्लेसमेंटल एंड अब मैं अंड चीज़ों को डेकोरेट करूँगी सो so, ये है मेरा फैमिली रूम एंड इस पर मैंने रखा है मैट बेस जो मैंने मार्शल से लिया है ऐसी पिक्स मैं यूज़ करूँगी ये सारी पिक्स एक्चुअली मैंने डोड्रामा से ली हुई हैं सो so, इसको मिक्स एंड मैच करके ब्लेंड करके यूज़ करूँगी नेक्स्ट मैंने कुछ रियल प्लांट्स लाइक सेकुलेंट्स भी यूज किए हैं एंड नेक्स्ट एक मैं पॉट रखूंगी इसमें मैं रखूंगी अपने हिडन रिमोट्स सो आप ऐसा कुछ भी रख सकते हो नाउ दिस इज रेडी मेरे जो काउच पे क्वेश्चन हैं उनके मैं कवर चेंज कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू समर थोड़े से कलर्स दूंगी अपने काउच को फ्लोर पे सारा क्लीन वैक्यूम डन अब मैं आपको लेकर जाऊंगी सेकंड फ्लोर पे एंड कैसे डेकोरेट किया वो बाद में शेयर करूंगी। अब मैं अपनी बेड शीट सारा कुछ चेंज करूंगी एंड प्रेप करूंगी फॉर अपकमिंग समर एंड लाइट कंफर्टर सेट यूज़ करते हैं हम समर में सो ऑल पिलो केसेस, शीट्स एंड लाइट कंफर्टर वो सारा कुछ मैं यूज़ करूंगी एंड ऑन टॉप डेकोरेटिव कम्फर्टर सेट ओके गाइस बेड शीट्स मैंने चेंज कर दिया है so, सो इसे अब मैं वॉश करूँगी एक्चुअली विंटर में हम लेते हैं थोड़ा सा फ्लीस ब्लैंकेट कम्फर्टर सेट एंड लाइट सा सो so, अब मैंने उठा दिया है क्योंकि गर्मी आ चुकी है राइट सो लाइट कम्फर्टर मैंने बछा दिया है सो so, फ़ैन फ़ैन तो मैंने क्लीन कर लिए थे मैंने आपके साथ शेयर किया था आई थिंक स्प्रिंग क्लीनिंग में राइट right? सो so, उसको चेक करना कि क्या क्या, क्या कर सकते हो आप स्प्रिंग क्लीनिंग में बेड uh, शीट सारा कुछ सेट हो चुका है बेड को बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है अब मुझे क्लीनिंग भी करनी है लैसी कब होगी क्लीनिंग स्टार्ट <laughs> तो कर दी मैंने सो so, अब ये डन ऐसे ही मैं अनदर मेरे जो बेडरूम्स हैं उनको भी ऐसे ही मैं सेट करूँगी मोस्टली मैं रात को करती हूँ कि सेकेंड डे जब बच्चे उठते हैं ना वो बेड बना देते हैं तो फिर मैं फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं फिर बेड को छेड़ूँ एंड बेड शीट करूँ राइट सो एनी सो so, अब अनदर चीज़ें करती हूँ मुझे अपने क्लोज़ेट भी क्लीन करनी है क्योंकि विंटर के कपड़े जो मैंने बैक नहीं रखे समर के कपड़े मुझे निकालने हैं सो एनी वे लॉन्ड्री स्टार्ट कर देती हूँ जो कपड़े हैं वॉश करने हैं मुझे एंड बेडिंग एंड कुछ टावल्स जो वाइट होते हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ एंड फिर देखती हूँ कि और क्या करना है ओके गाय लॉन्ड्री शुरू हो चुकी है बेड बन चुका है एंड फिर मैंने सोचा चलो क्लोज़ेट को भी डन कर ही देती हूँ आज मेरा मूड तो नहीं था बट फिर मैंने स्टार्ट कर लिया इसको मैं कुछ विंटर के कपड़े पैक करके रखूँगी एंड डी कर रही हूँ साथ साथ में ओके okay, डी हो चुका है एम कर लिया मैंने एंड थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है मैंने हमारी जो कनाडा की क्लॉजट्स होती हैं ना ऐसे स्टैंडर्ड्स होती हैं ऊपर बहुत सारी स्पेस होती है आप उसे यूज़ कर सकते हो विद रॉड एंड अब मैं सारा कुछ बैक रखूँगी वन बाय वन लाइक पैंट्स जीन्स टॉप्स ब्लाउज फिर ऐसे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एंड डी क्लटर मैंने ऑलरेडी कर लिया है आज मैं ट्राई करूँगी कि दो तीन क्लाउजर्स तो कर लो दिस इज बिहाइंड सीन एंड दिस इज डी क्लटर एंड फाइनली आई डिड इट ऑल द जीन्स ब्लाउज शॉर्ट्स स्कर्ट्स and this is the top so far and आप पे टॉड यूज कर सकते हो जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है अगर ज़्यादा कपड़े हैं आपके पास लुक लुकेट हीयर गाइज इतने सारे कपड़े निकले हैं अब मैं बैग फिल करूँगी आई थिंक दो तीन बैग्स तो so मैंने फिल कर लिए थे सो so जहाँ बिन होते हैं वहाँ हम लाइक like डम्प कर देते हैं डोनेट कर देते हैं हमारे कपड़े सो so जहाँ कपड़े कभी भी खराब नहीं होते हैं सो so छोटे हो जाते हैं बच्चों के तो तभी फेंकने पड़ते हैं एंड दो क्लॉज साज मैंने फ़ाइनली फाइनली डन कर लिए हैं मैं होप करती हूँ कि आपको आज मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी ये था आज मेरा फुल डे प्रोडक्टिव डे सो क्लीन विद मी सो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर किया है कि कैसे मैं अपने घर को क्लीन करती हूँ कैसे मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करती हूँ कैसे क्लाजट्स को सेट करती हूँ आज मैंने अपने दिन को पूरा प्रोडक्टिव बना दिया विद अ डीप क्लीनिंग एंड आज मैंने अपने घर की पूरी किचन की क्लॉज्स की डीप क्लिनिंग की है एंड ऑर्गेनाइजेशन किया है एंड डेकोरेट भी किया है अपने घर को सो so मैं होप कर कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना एंड uh, अब मैं मिलूंगी आपको अनदर कमिंग वीडियो में गाइज लव यू एंड बाय गाइज